अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास में आपके डिवाइस के अंदर में मोबाइल में अगर बहुत ज़्यादा ईमेल आईडी आपने क्रिएट करके उसके अंदर में लॉगिन कर रखा है या फिर कई सारे ईमेल आईडी आपने पहले से लॉगिन कर रखा है लेकिन आप जब आप क्रोम ब्राउज़र में जाते हैं तो वहाँ पर उस ईमेल आईडी को ढूंढते तो नहीं मिल पाता है, तो उसका सोल्यूशन जो है मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, ईमेल आईडी जो है वो आपके डिवाइस से रिमूव करना होगा, जो कि फालतू ईमेल आईडी हो या फिर जिसका आपको यूज़ नहीं मतलब जिसका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं, बाद में इस्तेमाल होगा तो उसको आप इसमें से रिमूव कर दीजिए, बाद में आप अपना लॉगिन कर लीजिएगा। तो चलिए मैं को बताता हूं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आप सबसे पहले जीमेल ओपन कर लीजिए। जाहिर सी बात है, अगर आपने ईमेल आईडी लॉगिन कर रखा तो जीमेल आपको ओपन करना होगा। जीमेल ओपन करने के बाद में आपको नजर आएगा यहां पे आपका फोटो नजर आएगा या फिर आपके नेम का पहला कैरेक्टर जो है वो नजर आएगा यहां पे। सिंपली आप इसके ऊपर में क्लिक कीजिए। जैसे इसके ऊपर में आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे सबसे नीचे यानी जो भी ईमेल आईडी है वो देख लीजिएगा आप, यहाँ पे सारे लिस्ट आपको नजर आ जाएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे सबसे नीचे में नजर आएगा आपको मैनेज अकाउंट ऑन दिस डिवाइस, आपको इसके ऊपर में क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ पर आ जाइएगा यूजर्स एंड अकाउंट्स में। यहाँ पे आपको चूज़ करना है गूगल और यहाँ पे आपको सारे ईमेल आईडी नज़र आ जाएंगे जिसको आप सेलेक्ट करके उसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने का एक ये जरिया है। दूसरा जरिया है, दूसरा तरीका है कि आप सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में आने के बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है यूज़र्स एंड अकाउंट्स, वो सर्च कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, मैं बैक आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे देख लूँगा। सबसे नीचे में मुझे नज़र आ जाएगा यूज़र्स एंड अकाउंट्स, इसके ऊपर में मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आकर के मैं यहाँ पे सिंपली गूगल चूज़ करूँगा। गूगल आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे वो जो ईमेल आईडी आपको यहाँ से लॉग आउट करना है, हटाना है, रिमूव करना है, सिंपली आप उस ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आपको ऊपर में नज़र आएगा टू डॉट, दाएँ साइड में यानी राइट साइड में आपको टॉप पर नज़र आएगा दो डॉट, दो बिंदु, आप इसके ऊपर में क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा कैंसिल सिंक, उसके बाद में नजर आएगा रिमूव अकाउंट। सिंपली मैंने इसके ऊपर में क्लिक किया रिमूव अकाउंट, यहाँ पे आपको नजर आएगा रिमूव अकाउंट, इसके ऊपर में क्लिक किया मैंने। उसके बाद में जो है यहाँ से जो अकाउंट यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। अभी चलिए मैं आपको ये बताता हूँ आपको जीमेल के अंदर में भी। जीमेल में मैं गया, यहाँ पर आने के बाद में मैं सिंपली यहीं पे फिर से मैं जाऊँगा जहाँ पे मेरा फोटो नज़र आ रहा है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं देख लूँगा कि वो ईमेल आईडी है या नहीं, तो वो ईमेल आईडी यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो उम्मीद है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप अपने डिवाइस के यानी आप अपने मोबाइल के अंदर में जो ईमेल आईडीज हैं उनको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं आप अपने डिवाइस से। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए क्या परेशानी है, मैं उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करूंगा। और हाँ, पहली बार इस चैनल पर आए तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और हाँ, आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।